Hey guys, hello everyone. So today we are going to talk about that big budget film which created hype state from the date of the announcement. Yes, I'm talking about Shankar's 2.0. You know, जब 2.0 के teasers, trailer या फिर उसके पहले जब making release हुए थे तो हम सब लोगों के expectations बढ़ गए थे. Actually इतने बढ़ गए थे that we were expecting a Marvel kind of movie. So you know, let's without wasting any time देखते हैं कि 2.0 हम सबके expectations पे खरी उतरी है नहीं. You know, so let's have a look what this movie has to offer. So guys, 2.0 आज finally release हो चुका है and बहुत लोगों का question, मतलब बहुत लोगों को ये पूछना चाहते हैं कि यार कि VFX अच्छे है क्या नहीं, VFX up to the mark है क्या नहीं, 500 करोड़ के लायक VFX है क्या नहीं. तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, और एक चीज पूछते कि भाई जो मोबाइल उड़ते हैं वो लॉजिकल सीन दिखाया क्या नहीं. तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वेस्टर्न मूवीज, हॉलीवुड मूवीज या फिर मार्वल की मूवीज में अगर कुछ ऐसे इस तरह के इलॉजिकल सीन्स दिखाए जाते हैं तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं उन सब चीजों को, क्योंकि वो दिखने में काफी क्लास दिखते हैं या फिर कुछ तो अलग दिखते हैं. अगर वही चीज अगर कोई हम लोगों के खुद के इंडियन डायरेक्टर्स या फिर इंडियन कंसेप्ट राइटर्स या फिर इंडियन मूवीज में बताया जाता है तो उसे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है ये बता के कि ये इलॉजिकल है. तो मैं गाइस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल उड़ने का सीन्स वगैरह जो कुछ भी 2.0 में दिखाया गया है इसमें कोई भी इलॉजिकल नहीं है. मोबाइल उड़ने के पीछे का हर एक लॉजिक को शंकर ने एक्सप्लेन किया है. यू नो शंकर सर बोलना चाहता हूँ, ही इज नॉट अ डायरेक्टर, ही इज अ साइंटिस्ट. यू नो लाइक शंकर सर ने एक एक चीजों को, यू नो फिफ्थ फोर्स किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, जो बाकी के चार फोर्स है उसके बारे में इतना डिटेल में बताया है. यू नो लाइक आप कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई इलॉजिकल सीन चल रहा है या फिर कोई इलॉजिकल प्लॉट चल रहा है. यू नो दैट इज द ऑसमनेस ऑफ हिज राइटिंग स्किल्स. डायरेक्शन की तरफ हम बाद में जाएंगे. यू नो दैट इज हिज ऑसमनेस ऑफ हिज राइटिंग स्किल. मतलब उस तरह के विजन रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है. उस विजन को सिनेमा के ऊपर लाना विद विजुअल इफेक्ट्स वो अलग बात है, वो हम बाद में बात करेंगे. लेकिन उस तरह का विजन क्रिएट करना, उस तरह से सोचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है. यू नो मतलब हम लोग हमेशा मार्वल से, मैं मार्वल से कंपेयर नहीं कर रहा, हमेशा मार्वल मार्वल बोल रहा हूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ मार्वल, मैं बहुत पागलों की तरह वेट कर रहा हूँ एवेंजर्स के लिए. यू नो बट मैं ये नहीं कर सकता कि इस मूवी को डिफेम करूंगा. 2.0 मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं इस रिव्यू में कुछ बताने नहीं वाला हूँ, कोई रिवील नहीं करने वाला हूँ. मतलब बाद में रिवील करूंगा, बाद में और एक अच्छे से रिव्यू दूंगा. मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके थिएटर्स में देख के आओ पहले, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप जाओ, आप थिएटर में जाओ, 3D में जाना, ऐसे छोटे मोटे थिएटर में मत जाना. 3D, IMAX, 4DX मोस्टली उस तरह के प्लेटफॉर्म में जाना. यू नो आपको वहां पर पता चलेगा कि एक्चुअल में इंडियन सिनेमा कहां तक पहुंच सकता है. यू नो इट्स बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस. ये शंकर ने सच में मतलब बताया है, यू कांट इमेजिन. मतलब मैं कुछ शॉक हो चुका कि 2.0 जैसी मूवी इंडिया की तरफ से आ सकती है. मतलब आई कैन प्राउडली से अगर उनके पास मार्वल से तो वी है, मतलब हमारे पास 2.0 है. सो यू नो गाइस मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज 2.0 देखने जाइए. यू नो मतलब शंकर ने काफी अच्छी तरह से सिखाया है. मतलब हम लोग मोबाइल इतना यूज करते हैं, मतलब यू नो लाइक मोबाइल हैज बिकम अवर फोर्थ नीडफुल थिंग ऑफ अवर लाइफ. हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते. एक बार हम लोगों को खाना पीना रहना ना मिले ठीक है, लेकिन हम लोगों को मोबाइल चाहिए. लेकिन इसी मोबाइल के एक्स्ट्रा यूज के कारण या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ओवर यूज के कारण जो बाकी लोगों को, यू नो लाइक जो हमारे प्लेनेट के कुछ लिविंग बींग्स है उनको क्या तकलीफ हो रही है, हम इस बारे में सोचते नहीं है. एक्चुअली हम लोगों को पता भी है इस चीज के बारे में, बट हम लोग उस बारे में सोचते नहीं है. तो ये इस मूवी से शंकर ने ये बताने की कोशिश की है दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस. ये अर्थ, ये वर्ल्ड, ये जगह उन लोगों की भी है. वी डोंट हैव एनी राइट कि इस तरह की टेक्नोलॉजी लाके उन लोगों की लाइफ में, मतलब उन लोगों के लाइफ को हार्म पहुंचाए. यू नो दैट इज द स्टोरी. मतलब मैं ज्यादा स्टोरी में डीप जा रहा हूं, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मूवी देख के आए. यू नो बाकी सारे रिव्यूअर्स बोलते रहेंगे कि इस स्टोरी में क्या है, मैं स्टोरी क्या है, प्लॉट क्या है, मैं एक्चुअली वो बताना नहीं चाहता. वो आप खुद जाके देखो, खुद जाके सरप्राइज हो जाइए. ट्विस्ट एंड टर्न्स है, स्टोरी बहुत ग्रिपिंग है, इंटेंस है. सो नो अगर कैरेक्टर्स के बारे में बात किया जाए या फिर लीड कैरेक्टर्स के बारे में, तो वंस अगेन रजनीकांत सर सैल्यूट यू. मतलब इस एज में भी इतना सारा मेकअप लेके एक्ट करना है, फिर उस एनर्जी से एक्ट करना इज लाइक बियॉन्ड ऑसम. एंड आपके अपोजिट अक्षय कुमार है. अरे इन लोग बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि यार मैं अक्षय कुमार का फैन हूं तो मैं काफी बायस रिव्यू दूंगा. मैं ना इस बार कुछ बोलने नहीं वाला हूं, नहीं तो आप वापस बोलोगे कि नहीं यार अक्षय कुमार का फैन है इसलिए तारीफ कर रहा है. यू नो लाइक आप खुद जाके देखो और आप खुद अक्षय कुमार की एक्टिंग देखो एज अ विलन. मतलब आप लोगों को ऐसा आप खुद फील करोगे कि 2.0 के पहले का अक्षय कुमार अलग है और 2.0 में अक्षय कुमार अलग है, कुछ अलग ही दिखा है. मतलब यू नो लाइक
मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अक्षय कुमार ने इसके पहले भी बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं, बट शंकर सर ने अक्षय कुमार में से वो कैरेक्टर निकाला है बाहर जो हम लोग कभी देख नहीं पाते, यू नो। तो मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, आप खुद जाके देख के आइए। सो एमी जैक्सन भी है इस मूवी में, एमी जैक्सन एक ह्यूमनॉइड रोबोट प्ले कर रही है, उसका एक्चुअली कुछ ज्यादा रोल है नहीं बिकॉज स्क्रिप्ट में इतना कुछ रोल है नहीं, बट स्टिल शी हैज डन अ जॉब परफेक्टली। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। तो एंड में मैं कहना चाहता हूँ एक्टिंग सुपर्ब है, वीएफएक्स अबव ऑसम, इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस तरह की वीएफएक्स अगर बाहुबली को कंपेरिजन में ना लाए या फिर बाहुबली को दिमाग में ना लाए, मतलब बाहुबली के फर्स्ट पार्ट को, तो वीएफएक्स इस तरह के वीएफएक्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ना ही कभी आए हैं और ना ही कभी आगे आएंगे। अगर आए, अगर किसी मूवी में अगर इस तरह के वीएफएक्स रहे तो शंकर सर ही ला सकते हैं। उस तरह की विजन भी चाहिए, यू नो, उस तरह का इमेजिनेशन भी चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल क्रिएटिविटी। सो वीएफएक्स ऑसम, 10 out of 10। कैरेक्टर एक्टिंग वो आप खुद जाके देखिए, वो भी 10 out of 10 है। स्टोरी में कुछ ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता, हाँ थोड़ी चीजों में ऊपर नीचे है, बट इट्स फाइन, यू नो, लाइक आप खुद जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा। यू नो गाइस, मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि यार इंडिया वाले क्या वही घिसी पिटी बॉलीवुड रोमांटिक स्टोरीज बनाते हैं या फिर वही रोमांस ड्रामा या फिर वही एडल्ट वल्गर कॉमेडी मूवीज। तो यू नो ये मूवी हम लोगों को चांस दे रही है बताने के लिए कि नहीं यार हम लोग 2.0 जैसी भी मूवी बना सकते हैं, यू नो दैट विजन, वो विजन रख के भी हम लोग मूवीज बना सकते हैं, उस तरह के इमेजिनरी कैरेक्टर्स लेके भी हम लोग बना सकते हैं। आई नो इससे पहले भी बन चुके हैं, बट दिस इज समथिंग न्यू। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने ये मूवी कितने अलग है, मतलब इस तरह की मूवी कभी इंडियन इंडस्ट्री में हम लोगों ने कभी विटनेस नहीं की है। और अगर किसी ने मुझे कहा कि यार इसको अगर रेटिंग देना है 5 स्टार में से, तो मैं ना 5 स्टार में से 5 स्टार देना भी मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि 5 स्टार इज नॉट इनफ फॉर दिस मूवीज। यू नो इस मूवी के लिए कोई रेटिंग नहीं दे सकता कोई, इतनी ऑसम मूवी है ये। यू नो दिस मूवी इज लाइक, यू नो लाइक जैसे बाहुबली, हम लोग कहते हैं कि बाहुबली इज लाइक हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन इन इंडियन सिनेमा। हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि 2.2 इज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन वीएफएक्स इन इंडिया, मतलब लाइक बजट के मामले में हो या जो कुछ भी हो। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार प्लीज आप जाके ना अच्छे अच्छे थिएटर में जाके मूवी देखिए, अप्रिशिएट करिए, और अप्रिशिएट करिए प्रोड्यूसर्स लोगों को, डायरेक्टर लोगों को कि इस तरह की मूवीज और बने, और हम लोग भी कह सके कि भाई हमारे पास हम भी ऐसी मूवीज बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू नो एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वॉन्ट टू से 2.2 इज प्राइड ऑफ इंडियन सिनेमा। सो जस्ट गो आउट ऑफ योर होम्स, वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स। सो गाइस दिस वाज माय रिव्यू फॉर 2.2, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये रिव्यू नहीं था, एक्चुअली ये मेरी फीलिंग थी। ये मूवी देख के जब मैं मूवी थिएटर से बाहर निकला तो ये मेरी फीलिंग्स थी 2.2 के बारे में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। रिव्यू में शायद बाद में कभी दूंगा, आप पहले मूवी देख के आओ। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार जस्ट बुक योर टिकट्स एंड वॉच दिस मूवी एज सून एज पॉसिबल। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और लाइक करने से पहले आप प्लीज 2.0 देख के आ जाइए। एंड सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर रिव्यूज। Thank you.